हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीसी आर्मी विंग। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वेपन ट्रेनिंग के चैप्टर नंबर 4 यानी फायरिंग का सिद्धांत क्या है और एनसीसी में कौन कौन सी फायरिंग पोजीशन से फायर किया जाता है। ये बड़ा एक सिग्निफिकेंट टॉपिक है और इससे हर साल ए बी और सी हर एक डायरेक्टरेट हर एक ग्रुप में इससे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ओके सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट और सबसे बेसिक जो पोजीशन है जिसमें हम मोस्टली हर एक कैडेट फायर कर चुका होता है, दैट इज़ लाइंग यानी लेट कर फायर करना। ओके आई होप आपके इंस्ट्रक्टर्स ने सिखाया होगा कि ये पोजीशन तैयार कैसे करते हैं, यानी लेट के पोजीशन लेते कैसे हैं। ये ऐसा नहीं कि बस सीधा गए और लेट के वेपन पकड़ लिया, इसके लिए एक तरतीब है, एक तरीका है। आई होप आपको सिखाया गया होगा। अगर नहीं सिखाया गया है और आप सीखना चाहते हो देन लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट ऑल्सो। नेक्स्ट देखते हैं स्टैंडिंग, खड़े होकर कैसे फायर करते हैं। ओके ये सामने से ऐसे दिखता है फायरर और साइड से ऐसे दिखता है। ओके आगे वाला घुटना मुड़ा रहता है, पीछे वाला पैर बिल्कुल सीधा होता है। ओके ये देखो आप पैर का पोजीशन भी देख सकते हो। तो इस तरीके से अलग अलग पोजीशंस तैयार की जाती हैं। नेक्स्ट इज नीलिंग, नीलिंग पोजीशन इस तरीके से ली जाती है। ओके एक नीलिंग एक तरीके की और होती है जिसमें ये अपने बट को अपने पैर के ऊपर रख लेते हैं। ओके जनरली फायरिंग पोजीशंस ली क्यों जाती हैं, इन ऑर्डर टू डिस्ट्रॉय द एनिमी इन अ बेटर मैनर, अपने दुश्मन को अच्छे तरीके से ध्वस्त करने के लिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास आर्ड आप समझते होंगे कवर है, वो मुश्किल से कम नहीं तो 15 सेंटीमीटर का या 6-7 इंच का ही है। हम उधर खड़े होकर फायर नहीं करते, हम उधर लेट के ही फायर कर सकते हैं। ओके तो इस तरीके से मतलब ज़मीनी हालात के हिसाब से आड़ लेनी पड़ती है, लेकिन अगर कवर 4 फीट 5 फीट का है तो हमें खड़े होकर ही फायर करना पड़ेगा, नहीं तो हम उस कवर के अंदर से फायर नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं नीलिंग पोजीशन, नीलिंग पोजीशन में भी सेम है कि किस तरीके से अपने आड़ को या अपने आड़ का यूज़ करते हुए फायर करना। नीलिंग पोजीशन जनरली चलते चलते या अचानक आ जाए दुश्मन तब तैयार की जाती है, किसी पेड़ के किनारे किसी पत्थर के किनारे नीलिंग पोजीशन ली जाती है। उसके बाद है फायरिंग पोजीशन सीटिंग, सीटिंग में फायरिंग पोजीशन ये इस तरीके से ली जाती है। सीटिंग की फायरिंग पोजीशन तब ली जाती है या तो हमें एक जगह से बैठ के ऊपर की तरफ दुश्मन को शूट करना हो या फिर हम ढलान वाले इलाके पे बैठे हों। तो देख सकते हो आप इनके पैर किस तरीके से हैं इंस्ट्रक्टर के, तो इस तरीके से हम अपने मूवमेंट को रोक लेते हैं। ओके इसमें पंजा हमेशा आसमान की तरफ उठा होता है और एक जो मेन बेसिक बात होती है हड्डी से हड्डी का मिलाप फायरिंग में नहीं होता है, क्योंकि जब भी आप फायर करोगे थोड़ा सा झटका लगेगा तो आपका हाथ मूव हो सकता है। तो ये एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी होती है कि फायरिंग पोजिशन लेते समय हड्डी से हड्डी का मिलाप कभी नहीं होता है। अब देखते हैं बेसिक फायरिंग का प्रिंसिपल क्या है। आप सबने ये सुना भी होगा और पढ़ा भी होगा, मजबूत पकड़ दुरुस्त शिस्त दुरुस्त ट्रिगर कार्रवाई, यानी फर्म होल्ड, आपने वेपन को अच्छे से पकड़ा हो। ओके दुरुस्त शिस्त यानी करेक्ट एमिंग, हर एक वेपन का एमिंग का तरीका अलग अलग होता है। जैसे .22 में हमें पता है वो इस तरीके से एक ब्लेड होता है, उस ब्लेड को बिल्कुल उस यू के बीच में लेके आना पड़ता है। यू जो होता है वो बैक साइड का होता है या रियर साइड का होता है, और जो ये ब्लेड कटाव होता है ये फ्रंट साइड ब्लेड होता है। ओके आई होप ये चीज़ें आपको पता होंगी। दुरुस्त ट्रिगर कार्रवाई, ट्रिगर कार्रवाई यानी ट्रिगर को दबाने की कार्रवाई को बोलते हैं ट्रिगर कार्रवाई। करेक्ट एमिंग ऑपरेशन, करेक्ट एमिंग ऑपरेशन पहले टारगेट को अच्छे से देखो, उसके बाद दोबारा से उसको कन्फर्म करो, सबसे पहले रियर साइड से फिर फ्रंट साइड से फिर टारगेट और उसी साइड को फिर पीछे लेके आओ। जब आपको कंफर्टेबल हो जाए कि हाँ अब मैं ट्रिगर दबाने के लिए सही हूँ, तो कमले वाली उंगली यानी सबसे पहली उंगली, कलमे वाली उंगली है उसका दूसरा जो कटाव है या उंगली का कटाव है उस पे अपने ट्रिगर को रखो, और पहला पुलाव हमेशा पहला पुल होता है वो लंबा और हल्का होता है, दूसरा होता है वो तेज़ और थोड़ा सा मतलब मजबूत और सटीक होता है थोड़ी सी देर में ही। ओके इस चीज़ का ये चीज़ें आपको होप सो पता होंगी, जब भी आपने आपके आपको आपने सॉरी
आपको आपके इंस्ट्रक्टर ने ये चीज़ें सिखाई होंगी। अब एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कई बार फायर करते समय ध्यान रखने वाली बातें, कि ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिनको फायर करते समय ध्यान रखना चाहिए। सो चलिए देखते हैं इनको एक एक करके। सही पोजीशन इख्तियार करना, कुदरती सिधाई को चेक करना। सही पोजीशन आपने ली हो, कुदरती सिधाई जैसे कि मैंने बताया था, वेब फॉर एग्जांपल आपका टारगेट इधर है और आप इधर हो, तो इधर से आप इधर एम कर पाओगे, इधर से एम करना मुश्किल होगा, लेकिन आपका टारगेट यहाँ है और आपकी पोजीशन यहाँ है तो आपके लिए ये आसान होगा। तो यहाँ से एक अंदाजन अमूमन सिधाई लेना, कि यहाँ से फायर ना करके इधर से फायर करना, ये होती है कुदरती सिधाई। ओके, उसके बाद आगे देखते हैं। राइफल को भर करें, यानी राइफल के अंदर एमुनिशन डालें, रेडी करें, सही साइट लगाएं और सही अलाइनमेंट हासिल करें। दिमागी तौर पर उन अंगों को चेक करें जिनको राइफल को होल्ड करना है, आपका हाथ, आपकी उंगली, आपके कंधे। ओके, बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन योर माइंड एंड हैंड और योर माइंड एंड फिंगर मेक्स यू अ गुड फायरर। अगर आपका दिमाग ही और उंगलियों के बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन नहीं है तो अच्छी फायरिंग करना बड़ा मुश्किल है। दिमागी तौर पर उन अंगों को चेक करें जिनको राइफल को होल्ड करना है में मदद करते हैं या होल्ड करने में मदद करते हैं, जैसे आपकी कोहनी आपके लिए बेस बनाती है, आपकी चिन आपके बट प्लेट पे रेस्ट करती है, जैसे बाएं हाथ की कोहनी, कलाई, दायना कंधा, दाएं हाथ की पकड़ और कलमे वाली उंगली, जिसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब सांस को नॉर्मल चलने दें, बैक साइड अपर्चर के मध्य से फोरसाइट टिप को पॉइंट ऑफ एम, पीओए क्या है, पॉइंट ऑफ एम। ओके, अगर आपको पीओए में और एमपीआई में पता है डिफरेंस पता है, एमपीआई होता है मीन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट और पीओए होता है पॉइंट ऑफ एम, देन लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स इनके बीच का डिफरेंस क्या होता है, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा ये आपको। बैक साइड अपर्चर की मदद से फोरसाइट टिप के पॉइंट ऑफ एम से मिलाए, फोरसाइट टिप 6 बजे और 12 बजे की लाइन में हरकत करनी चाहिए। अब ये 6 बजे और 12 बजे की लाइन क्या है, जिन्होंने एमआर अच्छे से पढ़ा उनको शायद पता होगा, ये घड़ी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 12 बजते हैं, यहाँ पे 6 बजते हैं, यहाँ पे 3 बजता है और यहाँ पे 9 बजता है, और यहाँ पे बीच में अलग अलग टाइम होते हैं। ओके, तो 6 बजे और 12 बजे की लाइन क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये आपकी बैक साइट है, यू शेप की होती है पॉइंट टू राइफल में, सामने की तरफ ब्लेड होता है इस तरीके का, या टिप होती है जो पॉइंट टू टू डिलक्स हैं उनमें टिप होती है, तो आपकी टिप या तो ऊपर की तरफ मूव करे या नीचे की तरफ, दाएं बाएं मूव ना करे। दाएं बाएं अगर आपकी टिप मूव करेगी तो आपका ही टारगेट हिट नहीं होगा, आप टारगेट से बाहर चले जाएंगे, लेकिन ऊपर और नीचे की तरफ मूव करेगी, फॉर एग्जांपल इधर से ऊपर नीचे मूव करती है तो वो टारगेट के अंदर ही रहेगी, दाएं बाएं से बाहर नहीं जाएगी। इसीलिए बोला जाता है कि फ्रंट साइड जो टिप है वो 6 से 12 बजे की लाइन में ही मूव करे, वेयर एज अगर आपको दाएं बाएं मूव करना है तो आप रियर साइड को हिलाएं। ओके, अपने कंधे को दाएं बाएं करें, अपने पोजीशन को दाएं बाएं करने की कोशिश करें। ओके, ट्रिगर का पहला खिंचाव हासिल करने के बाद कुछ समय के लिए सांस को रोकें और साइट पिक्चर को चेक करें, उसके बाद पूरा ध्यान फोरसाइट टिप पर ले जाएं और ट्रिगर दबाएं तो गोली फायर हो जाएगी। इसमें एक बड़ा ही अच्छी वर्ड आता है, साइट पिक्चर। ओके, ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप मेरे को कमेंट करके बताओगे, उसके बाद ही मैं आपको बताऊंगा एक कमेंट की वीडियो में, अगर आप नहीं बता पाते हो तो। ओके, साइट पिक्चर सर्च करना आपके एनसीसी बुक्स में या इंटरनेट पे कहीं ना कहीं आपको ज़रूर मिलेगा, साइट पिक्चर इन फायरिंग या वाइल फायरिंग वेपन क्या होता है। गोली फायर हो जाने के बाद उसकी पकड़, पोजीशन और शिस्त को कायम रखे, यानी गोली फायर हो जाने के बाद भी वेपन को और पोजीशन को उसी मतलब उसी सिचुएशन में उसी पोजीशन को बरकरार रखना है हमें। फोरसाइट टिप की मूवमेंट को चेक करें, फोरसाइट टिप जहाँ पॉइंट करी गोली उसी जगह पर जाके लगेगी, यानी जहाँ पे आपकी फोरसाइट टिप आपने एम की है वहीं पे आपकी गोली जाके लगेगी।
ओके, दैट्स फॉर श्योर। अब सांस को छोड़ छोड़ दें और मार को पुकारें। गोली फायर होने के मार पुकारने की कार्रवाई को फॉलो थ्रू कहते हैं। इसके बाद क्या होता है, गोली फायर होने के मार पुकारने, गोली फायर होने से मार पुकारने तक की कार्रवाई को फॉलो थ्रू कहते हैं। अल्टीमेटली व्हाट इट इज सेइंग कि फॉर एग्जांपल आपने इधर से फायर किया एंड दिस वॉज योर टारगेट और गोली गई और हिट करती, सो देर इज़ अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम, ये टाइम है कुछ जिसमें गोली आपकी फायरिंग पोजीशन से टारगेट तक ट्रेवल करती है। तो इस टाइम के दौरान आपको अपनी जो पोजीशन थी, फायर की पोजीशन थी, उसको नहीं हिलाना है। जैसे ही आपको गोली हिट होने की आवाज़ सुनाई दे, गोली की मार की पुकार सुनाई दे, तभी आपको अपनी पोजीशन में मूवमेंट करना है। और इस कार्रवाई को क्या बोलते हैं, फॉलो थ्रू। होता है क्या जनरली, इफ़ इन केस कि फॉर एग्जांपल आपने गोली फायर करते ही मूवमेंट कर दी वेपन की, तो जो एयर का प्रेशर है वो आपकी गोली को डिस्टर्ब कर देता है, वो आपकी गोली की ट्रेजेक्ट्री को डिस्टर्ब कर देता है और जिससे गोली आपके एम पे नहीं लगती है। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप मैंने आपको चीज़ें क्लियर की होंगी। और ये गारंटिड क्वेश्चंस आते ही आते हैं, फायरिंग पोजीशन से फायरिंग का सिद्धांत, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप अपने सीनियर से भी कंफर्म कर सकते हैं जिन्होंने ए और बी का एग्ज़ाम दिया और सी के लिए अपेयर कर रहे हैं, या ए का दिया बी के लिए अपेयर कर रहे हैं, उनको ये बात पता भी होगी। और ये इनमें से आपको 5 पॉइंट 6 पॉइंट लिखने आ सकते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू। जय हिंद। बना दी है।